क्या आप बजट सेगमेंट के अंदर में एक नया पीसी बिल्ड करना चाहते हैं और आप एक ऐसा पीसी बिल्ड करना चाहते हैं जिसमें आप वीडियो एडिटिंग आप आराम से कर सकें और वीडियो एडिटिंग में आप प्रीमियर प्रो आफ्टर इफेक्ट जैसे सॉफ्टवेयर आप आराम से चला सकें। अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो गेमिंग में आप जो है फ्री फायर पबजी GTA 5 जैसे गेम जो है जो आजकल सबसे ज़्यादा खेले जाते हैं उसमें आप ज़्यादा हाई FPS में अच्छी क्वालिटी में आप खेल सकें, या फिर आप अगर आप जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करते हैं या फिर ब्लेंडर जैसे सॉफ्टवेयर चलाते हैं या फिर अगर आप म्यूज़िक प्रोडक्शन का काम करते हैं और FL स्टूडियो जैसे जो है सॉफ्टवेयर चलाते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन टीचिंग या फिर घर से ऑफिस का काम करते हैं, यानी कि मैंने जितने भी आपको चीज़ बताएं अगर ये सब चीज़ों को देखते हुए अगर आप एक आज के डेट में एक बजट सेगमेंट में अगर PC बिल्ड करना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। और इस PC बिल्ड में हमने जितने भी प्रोडक्ट को हमने यूज़ किया है सभी के सभी इसमें ब्रांड न्यू प्रोडक्ट और जो मार्केट में सबसे ज़्यादा जो ब्रांड जो सबसे ज़्यादा बिकता है उसी ब्रांड को हमने लिया है पैसे कम करने के लिए या फिर पैसे बचाने के लिए। हमने कोई भी सस्ता ब्रांड या फिर कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं लिया है जिससे कि आपको आगे चल के कोई भी परेशानी हो जाए। ये सारे ब्रांड वही ब्रांड है जो कि कोई भी प्रोफेशनल या फिर जिसको कंप्यूटर के बारे में अच्छा नॉलेज है वो अपने लिए अगर PC बिल्ड करने के लिए जाता है तो इसी क्वालिटी का या फिर इसी ब्रांड का प्रोडक्ट लेता है ताकि वो जो है इन फ्यूचर उसको कोई प्रॉब्लम ना आ सके। और ये जो PC बिल्ड में मैं आपको जो भी कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा अगर आप जो है इस कॉन्फ़िगरेशन में अभी आप बिल्ड करते हो तो सारे प्रोडक्ट में आपको जो है यानी कि आपको जो है 3 साल के आसपास आपको सब में वारंटी मिल जाएगी, लेकिन इसको आप अगले जो है 5 से 6 साल तक बिना किसी अपग्रेड के आप इजिली आप चला सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो एक ऐसा PC बिल्ड करना चाहते हैं बजट सेगमेंट के अंदर में रह के जिससे कि वो चाहते हैं कि भाई अगले 5 से 6 साल तक मुझे इसमें कोई अपग्रेड करने का जरूरत ना पड़े, यानी कि जो भी सॉफ्टवेयर चलाते हैं मान लो अगर मैं प्रीमियर प्रो चलाता हूँ, आफ्टर इफेक्ट चलाता हूँ, FL स्टूडियो चलाता हूँ, प्रोग्रामिंग कोडिंग करता हूँ या फिर आप ब्लेंडर जैसे सॉफ्टवेयर चलाता हूँ तो उसमें अगर सॉफ्टवेयर में जो अपडेट आते हैं हर साल जो है कुछ ना कुछ अपडेट आते हैं तो अगले 6 साल तक या 5 साल तक कितने भी अपडेट आ जाएं तो मेरा ये कंप्यूटर जो है उसको आराम से संभाल लेगा और मेरा सॉफ्टवेयर में कोई परेशानी नहीं आएगा कोई भी सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करूँ तो उसी को देखते हुए एक बजट सेगमेंट के अंदर में अगर आप PC बिल्ड करना चाहते हो तो बेशक आप मुझे इसी कॉन्फ़िगरेशन के साथ जाना चाहिए। प्राइस की बात करें तो ये 50,000 रुपीज़ के आसपास में आपका PC बिल्ट हो जाएगा, लेकिन मार्केट के अकॉर्डिंग प्राइस ऊपर नीचे होता है। जैसे कि आपको पता है प्रोसेसर का और ग्राफिक कार्ड का दाम जो है अभी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, हो सकता है कि आपको जो है 50,000 से कम में भी आपका PC बिल्ट हो जाए या फिर 50,000 से थोड़ा ऊपर भी PC बिल्ट हो जाए। प्राइस इसका डाउन हो या हाई हो उससे कोई मतलब नहीं है, बात यह है कि सबसे कम बजट में आपको जो PC बिल्ट होगा वो यही कॉन्फ़िगरेशन वाला बिल्ट होगा। अगर प्राइस अगर हाई होता है तो भी आपको इसी कॉन्फ़िगरेशन के साथ लेना है और अगर प्राइस अगर लो होता है तब भी आपका फ़ायदा है इसी कॉन्फ़िगरेशन के साथ जाने का, क्योंकि यही वो बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है जो कि बजट सेगमेंट के अंदर में एक आपको पैसा वसूल वैल्यू फॉर मनी परफॉर्मेंस आपको निकाल के देता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर आपको कौन से लेना है तो देखो प्रोसेसर हमने जो है राइजन की तरफ से आने वाला 3600 का प्रोसेसर हमने लिया है और ये एक ऐसा प्रोसेसर है जो कि जो बिग बजट सेगमेंट के अंदर में आपको पूरा वैल्यू फॉर मनी पूरा पैसा वसूल परफॉर्मेंस आपको निकाल के देता है। इसी बजट सेगमेंट में अगर आप इसी प्रोसेसर की बात करोगे तो अगर इससे कम वाले प्रोसेसर लोगे सस्ते वाले प्रोसेसर तो प्राइस जो आपको जो ऑफर करता है जिस प्राइस में उस प्राइस के अकॉर्डिंग वैसा परफॉर्मेंस आपको निकाल कर नहीं देगा, लेकिन ये जिस प्राइस में आपको मिलेगा यानी कि देखो मार्केट के हिसाब से अगर इसका प्राइस अगर अप रहेगा तो इससे नीचे वाला जो प्रोसेसर रहेगा उसका भी प्राइस अप रहेगा, मार्केट के हिसाब से अगर इसके नीचे वाला या कम जो है पावर वाला प्रोसेसर अगर प्राइस अगर कम रहेगा तो इसका भी प्राइस कम रहेगा। तो यानी कि अगर देखा जाए तो बजट सेगमेंट के अंदर में यही एक ऐसा प्रोसेसर है जो मार्केट का प्राइस जो है हाई हो या लो हो लेकिन जिस भी प्राइस में आपको ये मिलेगा उस प्राइस में उस डेट में ज़्यादा अच्छा कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू फॉर मनी जो प्राइस के अकॉर्डिंग जो ऑफर करेगा वो आपका राइजन की तरफ से आने वाला 3600 ही ऑफर करेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि राइजन की तरफ से आने वाला राइजन 5 3600 में आपको क्या क्या आपको देखने को मिलता है। देखो अगर इसमें बात करें तो इसमें 6 कोर और 12 थ्रेड वाला यह प्रोसेसर है, 4.2 GHz का मैक्स बूस्ट क्लॉक स्पीड और 3.6 GHz का बेस क्लॉक स्पीड आपको देखने को मिल जाएगा। और ये वाला जो आप जो प्रोसेसर लोगे राइजन 5 3600 इसमें आपको जो एक अलग से ग्राफिक कार्ड लगाने की ज़रूरत पड़ेगा, बिना ग्राफिक कार्ड का आपका ये प्रोसेसर आपको डिस्प्ले आपको नहीं देगा, ठीक है। तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप राइजन 5 3600 आप ले रहे हो तो इसके साथ आपको ग्राफिक कार्ड आपको लगाना ही पड़ेगा, बिना ग्राफिक कार्ड का ये आपको डिस्प्ले आपको नहीं देगा। कौन सा ग्राफिक कार्ड लगाना है, कौन सा पैसा वसूल आपको परफॉर्मेंस निकाल कर देगा, हर चीज़ हमको आगे बताएंगे, तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहेंगे।
अब बात कर लेते हैं कि आपको इस पीसी बिल्ड के लिए आपको मदरबोर्ड आपको कौन सा यूज़ करना है। तो देखो मार्केट में जब आप देखोगे तो मदरबोर्ड आपको जो है इसी प्राइस रेंज में बहुत सारे मदरबोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे में समझ में नहीं आता है कि भाई हमारे लिए कौन सा मदरबोर्ड सबसे बेस्ट रहने वाला है। तो देखो वही मदरबोर्ड लो जिसमें आपको प्राइस के अकॉर्डिंग आपको जो है अच्छा कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए और इन फ्यूचर उसमें अपग्रेड करने का भी ऑप्शन हो। आपको जो है उसी मदरबोर्ड के साथ आपको जाना चाहिए। तो हमने जो मदरबोर्ड लिया है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला ये वाला मॉडल नंबर आप देख लो, इसमें एक S2 वाला भी मॉडल आता है, वो वाला मत लेना। आपको ये वाला ही मॉडल लेना है। क्यों लेना है, इसमें क्या क्या फीचर्स है वो आप जान लो। देखो सबसे पहले मॉडल नंबर जो है इसका B450MD S3H V2 वाला, यही वाला मदरबोर्ड आपको लेना है। अब आप में से बहुत सारे लोग बोले हैं कि भाई आप बोलते रहो कि ये वाला मदरबोर्ड लेना चाहिए, तो फिर इस मदरबोर्ड लेने का फ़ायदे क्या क्या हैं, फ़ायदे तो बताओ। रुको रुको, मैं हर एक फ़ायदे मैं आपको जो है मेन जो फ़ायदे हैं वो हर एक चीज़ में आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। देखो ये वाला मदरबोर्ड लेने का फ़ायदा ये है कि इसी प्राइस रेंज में आपको जो है जो भी मदरबोर्ड आपको मिल जाएगा उसमें आपको जो है ज़्यादातर देखोगे कि दो ही रैम स्लॉट होते हैं, लेकिन इसमें जो है आपको जो है इस मदरबोर्ड में 4 रैम स्लॉट आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें जो है आप जो है अप टू 64 GB तक रैम को आप अपग्रेड अप कर सकते हो। ठीक है, तो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हो गया। हो सकता है कि अभी आपका काम कम है, आप जो है 2 रैम लगा के आप यूज़ कर रहे हो, लेकिन मान लो अगर 2 साल बाद 3 साल बाद आपको जो है ज़्यादा रैम का लगाने का जरूरत पड़ेगा तो उस टाइम आप क्या करोगे, उस टाइम क्या करना पड़ेगा, आपको मदरबोर्ड उठा के चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये वाला मदरबोर्ड लेते हो तो फ़ायदा यह है कि आपको जो है मदरबोर्ड चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, इसी मदरबोर्ड के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो। जो कि 4 रैम स्लॉट दिए हैं वापस से और रैम ऐड करो और अपना काम आप निकाल लो। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें आपको जो है M.2 का भी जो है ऑप्शन मिलता है। अगर आप चाहो इसमें आप जो है एक साथ 4 SSD आप लगा सकते हो स्टोरेज के लिए, और अगर आप चाहो तो इन फ्यूचर इसमें जो है M.2 भी लगा सकते हो। अगर आप M.2 लगाते हो ना तो आपका परफॉर्मेंस जो है नॉर्मल SSD से 50% ज़्यादा आपका जो है परफॉर्मेंस आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। हालांकि आपका प्राइस भी आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन मैं इन फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, अगर आप चाहो तो अभी भी या फिर इन फ्यूचर चाहो तो M.2 का भी ऑप्शन है, यानी कि आपको इसके लिए भी आपको मदरबोर्ड चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसमें आप जो है M.2 भी लगा सकते हो। प्लस इसमें जो है आप जो है आप बहुत बार देखोगे देखे होगी कि आपको जो है कैबिनेट में जो है 8 GB स्ट्रिप इसमें लगाते हैं, तो मदरबोर्ड में आपको जो है ऑप्शन दिया गया है, आप जो है 8 GB का जो स्ट्रिप है उसको जो है मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करके उसको जो है आप उसको यूज़ में आप ला सकते हैं। प्लस इसके साथ साथ आपको इसमें जो है USB 3.1 का भी सपोर्ट मिलता है, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो बेसिक जो जो जिस चीज़ का ज़रूरत है वो सारे चीज़ आपको इस बजट सेगमेंट के इस मदरबोर्ड में आपको दिया गया है। 3 साल की वारंटी के साथ आता है, रगर के यूज़ करो। गीगाबाइट की तरफ से आने वाला ये वाला मदरबोर्ड पूरा रफ एंड टफ मदरबोर्ड है। इस वीडियो में हम आपको जितने भी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं सभी का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप हर एक प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में जानकारी आप ले सकते हो, प्लस उसको घर बैठे आप अमेजोन भी आप खरीद सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपको रैम आपको कौन सा लगाना है, कितने GB का लगाना है, कितने MHz का लगाना है, कौन से ब्रांड का लगाना है। तो देखो इस पीसी बिल्ड में हमने जो रैम लिया है वो है कॉर्सर की तरफ से आने वाला 8 GB DDR4 3000 MHz का हमने रैम लिया है, जो कि इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से मोर देन इनफ है। अगर आप जो है नॉर्मल वीडियो एडिटिंग गेमिंग करना चाहते हो तो 8 GB का रैम आपके लिए काफ़ी है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरा वीडियो एडिटिंग में जो है मेरा रेंडरिंग टाइम कम हो, एक्सपोर्ट टाइम मेरा कम लगे, या फिर गेमिंग में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा FPS मिले, अगर आप गेमिंग में आप फ्री फायर, PUBG, GTA 5 जैसे गेम खेलते हो, या फिर वीडियो एडिटिंग में प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट चलाते हो, अगर आप चाहते हो कि मेरा एक्सपोर्ट टाइम कम लगे या फिर गेमिंग में FPS मुझे अच्छा मिले, तो आपको जो है 8+8 16 GB का रैम आपको लगाना है, यानी कि ये वाले 2 रैम लगाने हैं, जिससे कि आपको जो है नॉन स्टॉप पूरा धमाकेदार परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका बजट अभी थोड़ा सा कम है, लिमिटेड है, कोई बात नहीं, 8 GB के रैम के साथ जाओ, आपका आराम से काम कर देगा, और इन फ्यूचर चाहो तो 8 GB और एक लगा के आप जो है इसको रैम को आप अपग्रेड अप कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि आपको जो है स्टोरेज डिवाइस आपको जो है क्या यूज़ करना है। आप अपने लिए PC बिल्ड कर रहे हो तो विंडोज़ 10 भी आप लोड करोगे, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, या फिर गेमिंग हो गया, यानी जो भी कोई सॉफ्टवेयर हो गया उसको भी लोड करोगे, तो कहाँ लोड करोगे, आपको एक स्टोरेज डिवाइस में आपको लोड करना है। तो उसके लिए हमने जो है 250 GB का SSD का यूज़ किया है, जो कि क्रूशियल कंपनी की तरफ से आता है। हमने इसमें नॉर्मल जो है हार्ड डिस्क ड्राइव हमने यूज़ नहीं किया है, क्योंकि देखो यकीन मानो हार्ड डिस्क ड्राइव अगर आप यूज़ करोगे ना तो आपका जो है परफॉर्मेंस पूरा जो है झूल जाएगा, यानी पूरा बेकार हो जाएगा। क्योंकि देखो आज की डेट में जितने भी मदरबोर्ड बोलो, ग्राफिक कार्ड बोलो, प्रोसेसर बोलो, सब जो है
SSD के हिसाब से या फिर M.2 के परफॉर्मेंस के हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं, और जो नॉर्मल जो हार्ड डिस्क ड्राइव है ना, वो आज से 10 से 15 साल पुराना टेक्नोलॉजी है, उसमें आपको जो है कहीं ना कहीं आपको लैग आपको देखने को मिल जाएगा, भले आप उसको स्टोरेज के लिए भी यूज़ करते हो तो अगर आप चाहते हो, बहुत सारे लोग आप देखोगे अपने PC बिल तो अपना बहुत महंगा महंगा कर लिया, लेकिन वो उसमें जो है हार्ड डिस्क ड्राइव यूज़ कर लेते हैं, जिससे जो है उनका परफॉर्मेंस जो है बहुत ही लो हो जाता है, थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में वो अपना सारा नुकसान कर लेते हैं। तो ज़्यादा से आप ज़्यादा आपका 1500 से 1500 रुपये ज़्यादा लगेगा अगर आप जो है SSD के साथ जाते हो तो। लेकिन अगर उसमें क्या है, नॉर्मल हार्ड डिस्क ड्राइव का लाइफ भी कम रहता है, वो आपका जो है 2 से 3 साल तक ही ज़्यादा चलता है, उसके बाद वो ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर आप SSD लोगे तो इसकी लाइफ जो है 5 से 6 साल तक है, और अगर आप M.2 लगाते हो तो वो तो 7 से 8 साल तक आराम से चलता है, ठीक है। तो SSD में आपको बहुत सारे ब्रांड मिल जाएंगे, WD का मिल जाएगा आपको, जो है सीगेट का मिल जाएगा, किंगस्टन का मिल जाएगा, बहुत सारे ब्रांड मिल जाएगा। लेकिन जो है क्रूसेल कंपनी की तरफ से आने वाला ये वाला जो SSD है, ये वाला मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकता है। इसमें कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप जो लोड करोगे या फिर गेमिंग जो लोड करोगे ना, तो उसके परफॉर्मेंस जो स्पीड है वो बहुत अच्छा ये निकाल के देता है। तो अगर आपको जो है वीडियो एडिटिंग के लिए या फिर गेमिंग के लिए अगर आप एक बजट सेगमेंट में SSD लेने का सोच रहे हो ना, तो बेशक आप जो है क्रूसियल कंपनी की तरफ से आने वाला ये BX500 ये वाला SSD आप जो है आँख बंद करके ले लो, परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको कोई भी दिक्कत आपको आने वाला नहीं है। अगर आप जो है क्रूसेल की तरफ से आने वाले इस SSD के बारे में डिटेल में जानकारी लेना चाहते हो या फिर इसको ऑनलाइन खरीदना चाहते हो, तो इसका भी लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ से जाके आप Amazon से आप खरीद सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि भाई आपको जो है पावर सप्लाई यूनिट आपको कौन सा लेना चाहिए। देखो बहुत सारे लोग जो है पावर सप्लाई यूनिट लेने में कंजूसी करते हैं, वो सस्ते वाले 1000-1500 रुपये वाले जो है पावर सप्लाई यूनिट ले लेते हैं, जिससे कि एक साल के बाद जो है उसमें कोई ना कोई ख़राबी आ जाती है, या फिर उसके वजह से आपके PC का कोई और पार्ट जो है ख़राब हो जाता है। तो फिर आपको जैसा कि आप जो है ध्यान में रखते हो प्रोसेसर के लिए, मदरबोर्ड के लिए, या फिर और भी ग्राफिक कार्ड को खरीदने के लिए जैसा आप ध्यान में रख के खरीदते हो, तो वैसे भी आपको जो है पावर सप्लाई यूनिट भी वैसे ही ध्यान में रख के आपको खरीदना चाहिए। अब बात करते हैं पावर सप्लाई यूनिट आपको कौन से ब्रांड का लेना चाहिए या फिर कितने जो है वॉट का लेना चाहिए। तो देखो जैसे कि आपको पता है कि हम बजट सेगमेंट के अंदर में PC बिल्ड कर रहे हैं, और जो भी ग्राफिक कार्ड हम जिसने जो यूज़ करने वाले हैं बजट सेगमेंट के अंदर में, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है 450 वॉट का पावर सप्लाई यूनिट जो है मोर देन इनफ है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, सस्ते ब्रांड वाले जो 450 वॉट वाले पावर सप्लाई आते हैं, वो एक्चुअल में आपको 450 वॉट का जो है आउटपुट नहीं देता है, लिखा रहता है 450 वॉट, लेकिन कभी आप उसका मल्टीमीटर से चेक करोगे तो वो हार्डली 300 या फिर 320 वॉट तक का ही आउटपुट वो प्रोवाइड करता है। तो फिर जिससे कि आपको जो है यानी कि वो वैल्यू फॉर मनी वैसे भी नहीं है, और वो बस आपको लगता है कि 450 वॉट है, लेकिन वो जो है एक तरह से वो बेकार है वो। अगर आप जो है एक अच्छे ब्रांड वाले जो है पावर सप्लाई यूनिट के साथ जाते हो, तो जो 450 वॉट लिखा है तो ये 450 वॉट ही आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा, और प्लस इसकी जो है बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही सुपर, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है। तो मार्केट में ये जो है आपको जो कॉर्सियर कंपनी की तरफ से आने वाला पावर सप्लाई यूनिट, ये मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें दो मॉडल हो गए, एक VS450 और एक CV450 करके आता है, ये दो मॉडल सबसे ज़्यादा बिकते हैं। तो मैं जो है दोनों का ही आपको जो है लिंक मैं आपको मैं दे दूंगा, दोनों की ही प्राइस आपको जो है 3200 के आसपास में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो है पावर सप्लाई लेने का सबसे खास वजह ये है कि इसमें आपका जो है मान लो अगर आपका जो वोल्टेज का अगर फ्लक्चुएट होता है, बहुत सारे जगह में देखोगे वोल्टेज हमेशा अप डाउन होते रहता है, तो उसमें ये पावर सप्लाई यूनिट ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि अगर आपका वोल्टेज फ्लक्चुएट भी होता है, थोड़ा ऊपर नीचे भी होता है, तो आपके PC पार्ट्स के कोई भी और कंपोनेंट को कोई भी जो है जो ख़राब नहीं करेगा, क्योंकि सबसे पहले जो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का जो वोल्टेज है वो इसमें आएगा, फिर इसके बाद ही जो है दूसरे आपके पार्ट्स में जाएगा। तो यही जो है इसका मोर देन इनफ है, ये जो है अच्छी तरह से जो वोल्टेज को मैनेज करता है, और एक सही तरीके से वोल्टेज का सप्लाई जो है जितने भी आपके PC पार्ट्स है सब में करता है। तो अगर आप एक जो है बजट सेगमेंट के अंदर में एक अच्छा जो है वैल्यू फॉर मनी, अगर आप एक अच्छे क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो, तो आप बेशक आप जो है कॉर्सियर की तरफ से आने वाला 450 वाट का पावर सप्लाई यूनिट आपको जो है लेना ही चाहिए। चलिए अब लास्ट में बात कर लेते हैं भाई आपको ग्राफिक कार्ड आपको कौन सा लगाना है। तो देखो ये ग्राफिक कार्ड ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें बहुत सारे लोग जो है बहुत सोचते हैं कि भाई मैं कौन सा ग्राफिक कार्ड लूँ, क्योंकि प्राइस भी देखो इसके जो है बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो देखो एक चीज़ आप देख लो कि अगर आपको जो है बजट के अंदर में रह के अगर आपको अपना PC बिल्ड करना है,
और आप चाहते हो कि मेरा जो है पैसा ज़्यादा ना लगे और कम पैसे में मुझे अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के दे दे, तो आपको जो है 1050 NVIDIA की तरफ से आने वाला 1050 Ti, इससे बेहतर वैल्यू फॉर मनी ग्राफिक कार्ड आपको नहीं मिलने वाला है। आज की डेट में आपको ये बताया कि ग्राफिक कार्ड के दाम कितने प्राइस आपके बढ़ गए हैं, तो देखो अपने बजट के हिसाब से देखोगे तो आपको जो है 1050 Ti ही लेना चाहिए। ये आपका जो है 4GB वाला वेरिएंट है, आपको 4GB वाला ही लेना है। अब देखो इसमें क्या है, मैं आपको बता दूँ, इसमें अगर आप प्रीमियर प्रो आफ्टर इफेक्ट चलाओगे ईजिली चल जाएगा, GTA 5, PUBG, फ्री फायर जैसे गेम है वो भी आपको आराम से चल जाएगा। यानी कि आपको वीडियो एडिटिंग करने में, गेमिंग करने में, स्ट्रीमिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। तो अगर आप एक बजट सेगमेंट के अंदर में एक अच्छा ग्राफिक कार्ड लेना चाहते हो तो NVIDIA की तरफ से आने वाला 1050 Ti आप ले सकते हो। आप अपने ब्रांड के हिसाब से कोई भी ब्रांड का ले सकते हो, गैलेक्सी का ले सकते हो, जोटेक का ले सकते हो, गीगाबाइट का ले सकते हो। लेकिन अगर आप जो है Inno 3D या फिर गैलेक्सी के जैसे ब्रांड के साथ जाते हो तो इसमें क्या होता है ना, हमारा क्वालिटी लगभग सेम ही मिलता है लेकिन प्राइस हमको थोड़ा सा कम पड़ता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है कि भाई इसमें जो ग्राफिक कार्ड है Inno 3D का या फिर गैलेक्सी का, उसका क्वालिटी या फिर जोटेक जैसे ब्रांड के या फिर गीगाबाइट के जैसे ब्रांड के साथ जाते हो उसमें क्वालिटी का बहुत ही ज़्यादा फर्क रहता है। तो देखो क्वालिटी का ज़्यादा फर्क नहीं होता है, आपका परफॉर्मेंस आपको सेम मिलेगा, वारंटी भी इसमें आपको 3 साल की मिलती है। तो अगर आपको देखा जाए कि बजट सेगमेंट के अंदर में एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो बेशक आप जो है Inno 3D की तरफ से आने वाला 1050 Ti का ग्राफिक कार्ड ले लो, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। बजट सेगमेंट के अंदर में आपका वीडियो एडिटिंग, गेमिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग वाला काम सारे काम आपका आराम से कर देगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला है। इस वीडियो में हमने आपको जितने भी प्रोडक्ट के बारे में बताया है ना, सभी का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सारे प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में जानकारी ले लो और प्लस उसको जो है ऑनलाइन आप अमेज़ॉन से खरीद लो। और बहुत सारे लोग को ये प्रॉब्लम आती है कि भाई मैं ऑनलाइन में खरीद तो लूँगा लेकिन मुझे असेंबलिंग करना नहीं आता है, मैं असेंबल में कैसे करूँ। तो देखो और इसके साथ साथ आपको कौन सा आपको कैबिनेट लेना है, कौन सा बेस्ट RGB कैबिनेट है जो 2000 रुपये के आसपास में आपको आ जाएगा, बेस्ट कीबोर्ड और माउस कौन सा है, वो सभी का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मैं दे दूँगा। और आपको जो भी प्रोडक्ट आप घर में आप मंगा लो ऑनलाइन और उसको असेंबल करने के लिए आप लोकल किसी भी कंप्यूटर शॉप में चला जाओ, वो 200 से 300 रुपये लेगा, वो आपके कैबिनेट में सब इंस्टॉल करके आपको सब चीज़ पूरा तैयार करके आपको दे देगा, कोई भी आपको परेशानी आपको नहीं आने वाला है। विंडोज़ भी बोलोगे तो विंडोज़ 10 भी वो लोड करके दे देते हैं। अगर आपको न्यू PC बिल्ड के रिगार्डिंग या फिर नए लैपटॉप के रिगार्डिंग कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट करो, ज़रूर हम उसका रिप्लाई करेंगे। और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ।